नमस्कार, समर्थ सहारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। हरसूद वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने समस्त प्रदेशवासियों को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। डॉक्टर शाह ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्मदिन आज ही स्थापना के दिन हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर शाह ने अपने वन विभाग के अंतर्गत कई घोषणाएं की, साथ ही 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिरसा मुंडा के कार्यक्रम में आ रहे हैं। और क्या कहा मंत्री जी ने, देखे समर्थ सहारा पर। अनेकों घोषणाएं हमने करी हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि चार खेड़ा से सिंगाजी न सिर्फ यात्रा भी होगी, बल्कि जो हमारे आदिवासी बंधु हैं, 10 आदिवासी बंधुओं को 1 जनवरी से हम 10 गाड़ी दिला रहे हैं और उनको अपने पैर पर खड़े कर रहे हैं। उनको राशन बांटना है गांव-गांव जा करके, उनकी गाड़ी का लोन, गाड़ी की मार्जिन मनी और गाड़ी की गारंटी भी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की सरकार और विजय शाह भरेगा। वो 10 नौजवान 1 तारीख से अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। ऐसे अनेक घोषणाएं हैं, जहां हमने ATM की बात करी है। अब चूंकि हमने बहुत सारी चीज़ें भी रोकी इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी के मुँह से अगर कुछ हम कहलवाएंगे तो उसका असर व्यापक होता है, और प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से कुछ रह गई तो मुख्यमंत्री से कहलवाएंगे, और मुख्यमंत्री से भी रह गई तो फिर 9 जनवरी को फिर हम एक बार फिर एक बोनस का वितरण करेंगे। 10 करोड़ बोनस हम केवल खंडवा जिले में बांटेंगे, और कुछ और घोषणाओं का पिटारा ही नहीं, उनके जीवन में खुशहाली की बारात लेकर हम जनवरी में फिर आएंगे। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से और मेरी ओर से, वन विभाग के मंत्री की ओर से वन समितियों को, वनवासी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। क्योंकि आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन ही मेरा जन्मदिन है, मैं इसको सौभाग्यशाली मानता हूं। और वन समितियों के माध्यम से वन जीवन में और पर्यावरण में और वनवासियों के जीवन में नई खुशहाली लाने के लिए अनेक घोषणाएं मैंने आज करी है। और 15 तारीख को और प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, और बिरसा मुंडा जनजाति गौरव उत्सव के दिन वनवासियों के जीवन में परिवर्तन के लिए और बहुत सारी घोषणाएं हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं आने वाले हैं, इसलिए कुछ योजनाएं हम लोग नहीं घोषणा कर सकते थे अभी, लेकिन आप इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि चाहे दारू बनाने का मामला हो और चाहे महुआ का मामला हो और चाहे वन समितियों के माध्यम से वृक्षारोपण का मामला हो, सारे के सारे अधिकार, पैसा एक्ट के सारे अधिकार और वन समितियों को सारे अधिकार, जंगल की सुरक्षा से लेकर जंगल काटने का तक का अधिकार हम धीरे 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 वन समितियों को देंगे। अब कोई भी जंगल वो लगाएंगे तो पूरा अधिकार उन पर होगा, वन विभाग का। कल के लिए खबरों में इतना ही। देशों और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें समर्थ सहारा न्यूज के साथ। नमस्कार।